बसमीम् अल्लाम मेरे मोह नाजरीन उम्मीद करते हैं आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरवाफ़ियत से होंगे आपकी ख़दमत में तसलीत और ताज़ियात अर्ज करते हैं अयाम फातमिया के हवाले से और इसी मुनासबत से हम आपको खुशा मजीद कहते हैं प्रोग्राम अयाम कौसर में अयाम कौसर रवा हैं तो क्यों न कोसर की तलावात की जाए मेरे साथ हैं हमारी मेहमान सैद उम्मातिमा जायफरी अल्लाम आ आ, तो हमारे प्रोग्राम का नाम जो है अम कौसर है बसमिल्ल रन रहीम इन आतोन खल कासर फसलब का मनहर अन हुल अबतर इस मुबारक की जब बात करते हैं तो शुर कौसर एक अलकाब में से है बीवी के और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे बीबी के फ़ज़ा पे ही बात करने की आज के प्रोग्राम का भी हमारा मौजू जो है हम बीबी के फ़ाइल पे बात करेंगे फ़ज़ा हज़रत फातम तो जहरा सलाम तो आ, इसी सुरह की जब हम बात करते हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक हमने आपको कौसर अता किया है ना अतः कल कोसर और कौसर का भी जब तर्जुमा होता है तो वह खैर कसर है और इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला तो कहते हैं कि तो बस नमाज़ पढ़ें और जो है कुर्बानी दें और जो है जो लोग बेशक जो लोग आपको अभी तक अबतर कहते थे वो ख़ुद अबतर है तो एक एक अपोज़िशन आया है इस सूरे में कहीं पे कोसर है खैर कसीर है और अबतर है जो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है यानी कि उसका कोई फॉलोवर नहीं है यानी कि शायद पैगंबर को उस ज़माने में लोग कहा करते थे कि आप अब तर हैं आपका कोई फॉलोवर नहीं है आपका जो स्कूल ऑफ थॉट है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा लेकिन इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि बेटी अगर घर में आई तो जो है आ, वो कोई नॉन फॉलोवर बन जाते हो आप इनफैक्ट बेटी ही बायस हो सकती है आप शायद आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हो या आपका स्कूल ऑफ थॉट बढ़ जाए इसी तरह से हमने जनाब सलेमानी का भी देखा कि उनके बेटे जिस तरह से वो, आ, सामने आए हैं उसकी बेटी बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेम में थी जूम में थी या हम कहेंगे कि उनका नाम उसके बाद जैनब सानी ने ही आगे बढ़ाया बहरहाल इसको यहाँ पे रखते हुए जब हम हज़रत फातमल की बात करते हैं तो अगर उनके फ़जाइल की बात की जाए तो उनके फजाइल कई ज़्यादा हैं मासूमिन की ज़बानी कई ज़्यादा है खुद पैगम्बर अक्रम सल वसम कहते हैं कि आप मेरे जिगर का एक टुकड़ा हो اب میں زیادہ باتیں کرنے کے بجائے میں چاہوں گی اپ بالکل شروع کریں سب سے پہلے بی بی کے فضائل پہ اپ روشنے ڈالیں اعوذ بالله من الشیطان اللین و رجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمہ و ابیھا و بعلها و بنیھا و السر المستودع فیھا بعدد ما احاط به الوالک मसलआल महमद वाल महमद वाचल फराज अलहदिल्ल रबालमीन शिक्र ख़ुदा अदा करते हैं कि हम खुदा ने हमें इंतखब किया कि हम याम फातमिया में उस जरीलतलकद्र बीबी के बारे में मिल बैठें और गुफ्तू करें और जैसे अभी आपने आगाज़ किया सूर्य कोसर से और क्या खूबसूरत सूरह है कुरान का सबसे छोटा सूरा और सबसे पुरमफूम पुरमफूम सूरा और ऐसा कि जिसको जिसका कोई जवाब ना ला सका बड़े से बड़ा अरब जो है वो उसका कोई जवाब नहीं ला सका। दे सका और क्या उस सूरह के फ़कत तीन आयात उसके अंदर मौजूद हैं मगर ख़ुदा ने समूह के रख दिया शान सैद साम को अलहमदिल्ला खुदा हम सब की तोफ़ात में इजाफ़ा करे कि हम फ़क्त अमाम कौसर को बरपा ही ना करें या इस्पेस प्रोग्राम्स ही ना करें बल्कि हम लोग जनाब सैद्लम की शख्सियत को उनके फजाइल के ज़रिए समझने की कोशिश भी करें बिल्कुल तो जैसे हमने अभी आपने उसका सुर कौसर का तर्जमा किया तो हम देखते हैं कि आ, किस अंदाज़ में के अकबर जो है वो बीबी -बी की शान को बयान कर रहा है और किस मौके पे बयान कर रहा है कि वो वक्त के जब महबूब नबी जो हैं वो लोगों की उन फजूल गोई से लोगों की उस जबान दराजी से दिल अफसुदा हाँ, उनके ताने से दिल शिकस्ता है दिल म, मलूल हैं और चेहरे पे उदासी है पेशानी पे जो है खुदा देख रहा है कि मेरा महबूब जो है वो परेशान है उस वक्त इस सूर्य को नाजिल करता है और कहता है कि, कि हमने तुम्हें कौसर अता किया और उसमें कोई शक नहीं है इन्ना, इन्ना। और देखें कि हमें बुला और ख़ुदा ने इसका अहतमाम कैसे किया ना इस इस नमत को देने का एहतमाम खुदा के पास क्या था कि न नबी को अर्श पे बुलाया और फिर वहाँ पे दावत का अहमाम किया उनको फल खाने को दिया और फिर उस फल से जो है जो वो नूर था सैदल का वो मौला के अंदर मुंतकिल होता है और फिर आप जो हैं जब वो दुनिया में तशीफ लाती है बीबी तो फिर खुदा फरमाता है कि इन्ना इतना कल को हाँ बेशक हमने आपको खैर कसीर अता की हमने क्या? आपको कौसर अता किया हमने आपको मम्ब कौसर अता किया देखे, जब है? हम इस की देखते हैं तफसीर में कि पूरी कायनात की जमाम जिसके इख्तियार में है जिसके ہے, कुदरत में وہ वो खालिक है वो मौत हयात का خالق है तो अगर तहफ़ा देने वाले की क्योंकि नवाज़ कौन रहा है खालिक नवाज़ रहा है आ, आ, वो जो तुमसे मोहब्बत करता है तुम जिसके महबूब हो वो दे रहा है तो जब इंसान एक आम सा इंसान अपने महबूब को तोहफा देता है तो उसको कितना सजा के संवार के खूबसूरत और उसकी कोशिश होती है कि बेहतरीन हाँ बिल्कुल कि बेहतरीन अंदाज में मैं अपने महबूब को खुश करूं क्योंकि मकसद मोहब्बत करने वाले का मकसद क्या है है महबूब खुशनुदिया हबीब तो अब देखें अगर तोहफा देने वाले की हम कदर व को देखें उसका जायजा लें तो वो इंसानी द्राक से मावरा है ऐसा ही है और फिर अगर तोहफ़ा वसूल करने वाले की हैसियत को देखें उनकी शख्सियत को देखें उस रहमत आलमीन की शख्सियत का अंदाज़ा करना चाहें तो वो भी इम्कान बशर में नहीं आ सकती हम देख ही नहीं हम उसको दर्क नहीं कर सकते बिल्कुल तो इसी लिए फ़रमाया गया कि वमा अदरा कमा फ़ातमा तुम क्या जानो कि फ़ातिमा क्या है क्या है ठीक है तो जब कहा कि तुम क्या जानो फातिमा क्या है तो जब पूछा गया कि इन्ना अनजल नाफी कदर ये कदर क्या, क्या है, है। तो मासूम फरमाते हैं कि अल्लाइल का मानी क्या है अल्लाइल फातिमा वल कदर अल्लाह ठीक कहा कि वमन आरफा फातिमा मार फतेहत लहुम जन्ना लैला फातिमा है और कदर अल्लाह जिसने और जिसने वमन वमन और आरफा फातिमा फ़कद अदरा का लिलातुल्कदर कहा जिसने फातिमा को पहचान लिया और एक हदीस में जनाब सलाम फरमाते हैं कि फमन आरफा फातिमा फकद फ़कत अदरक का लिलतुल्कद कद्र को पा लिया उस शख्स ने जिसने जनाब के हक मार्फत को पहचान लिया जिसने बीबी के हक मारफत को पा लिया उसने कद्र को पा लिया अब हम देखते हैं कि जना... लाइक, में जब हम देखते हैं उसके जितने फजाइल हैं कि उसके कमालत को शब कद्र के बरकत को शब की जितने भी फयूजात हैं समरात हैं हम अगर उनको पाना चाहो हमें क्या हुक्म है बंदों के लिए खुदा क्या चाहता है कि वो सिर्फ वजू करके तुम रात को जाग के सर पे कुरान रख लेने से उसको हासिल नहीं कर सकते क्या है। बात है वो कैसे हासिल कर सको बीबी की मारफत हा, हाँ कि शब कदर क्या कहा कि शब कदर है क्या कहा मारफत है फातिमा क्या बात है शब कदर क्या, 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 क्या है कहा फातिमा की बरकत है इरफान फातिमा है फातिमा के औलाद की मारफत है फातिमा के अबनाए मासूमी वो बेटे वो ग्यारह बेटे बीबी के उनकी मारफत का नाम क्या है में खुदा श, आ, को अगर हमें ही। ये मिले ये, आ, ये जो तफसर है ये हमें इमाम की जबान से जारी हो रही है कि मौलान ने फरमाया कि अगर ललतर को पाना चाहो शब कदर के कमालत से खुद को आरास करना चाहो तो क्या करो कौन सी शब है जिसकी बरकत जिसका फैज़ हजार हर रातों से अफजल है, है। ज़्यादा है उस रात की बरकत को अगर आप पाने के ख्वाहिशमंद हैं तो क्या करें दहली से हज़रत फ़ातिमा पे आ जाएं चौखटे सैदतमीन के अपने पे आके अपने सर को ख़म कर दें और फिर आप उनकी अजमत को पहचानें फ़ातिमा की अज़मत क्या है वहाँ वो दर जो है वो चौखट जो है वो दरवाज़ा जहाँ पे कुल नबियों का सरदार आके जहाँ पे कुल आ, आ, झुक आलमीन। आलमीन बार, बार जाए तो फिर तुम पालोगे की सैदा की माँ ऐसे ही जनाब सलमान फारसी ने अपनी दाढ़ी से जारूब कशी नहीं की बीवी की चौखट की और फिर क्या मकाम मिलता है उनको जो मारुफत रखते हैं कहा सलमानी सलमान अहल बैत में तो बहुत अजवाज में कोई नहीं है ठीक अहल बैत के अंदर तो कोई बीबी भी, भी, भी जो बीबी जनाब रसूल खुदा का हरम बनी वो अहलेत मगर कहा कि वो सलमान उम्मी अहले बैत वो खास हो गए क्यों क्योंकि मार्फत सदत आलमीन रखते हैं उस तक जा पहुंचे हैं अपने आप को इतना बढ़ा लिया और अगर हम यहाँ पे बात करें के अपने अहल उलमा की जानब से तो उसके अंदर सबसे बड़े जो हैं जलालुद्दीन सयोती जो हैं उन्होंने अपनी तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर जो कि खुद अरब हैं ही हिमसेल्फ इज अरब और वो अरब जुबान के आ, में माहिर हैं।, आ, माहिर हैं उन्होंने कहा कि इस कालातल तम या मरियम सरा इमरान की आ, आयत को कोट करते हैं और कहते हैं कि आ, चार बीबियों को खुदा ने चुना जनाब आसिया बिनते मज़ाहिम जनाब मरियम बिनते इमरान जनाब खदीजा बिनतेवालत और फिर जनाब सैदत फातिमा बिनते मोहम्मद सलम का चुनाव करता है खुदा और फिर कहा कि खदीजा बिनतेवालत व फातिमा बिनते मोहम्मद वहिया अफसलोम सयूती जो हैं अब मैंने जो तारफ़ दिया कि वह सुन्नत के बहुत बड़े आलम दीन हैं बहुत बड़े मुफसर कुरान हैं उन्होंने क्या किया कि वो वो बता रहे हैं कि अपनी तफसर दुनः मंसूर के अंदर कि फ़ीज़ैल तफसीर हाज हिल आया के इस आयत की तफसर में बयान करते हैं कि खालिक़ कायनत ने फ़रमाया जनाब जो कि उस आयत में किसकी जनाब मरियम साम की जो है शान बयान की गई है उस पर मुश्तमिल है आयत अहसन्नत के बड़े आलम दीन जो अरब हैं वो बयान करें कि पूरी सन्नत के साथ इस रिवायत को नकल करते हैं कि खुद जनाब रसोल खुदा ने खुद खत्मीय मर्तबत ने फरमाया कहा खुदा ने आलमीन की औरतों में से चार खवातीन को चुन लिया राइट ठीक अब चार खतान को चुनता है खुदा और उनके नाम बताता है कि जो कुल आ, जो जन्नत की, सरदारों, की सरदारों में से है कौन है जनाब बिनते इमरान जी जनाब खदीजा बिनते बिनतेवाल मादर फातिमा तो जहरा सलाम और, और फिर जनाब सैद साम और फिर कहा के वाहिया अफल और वो फातिमा इन सब से अफजल है इन तीन से भी उर्जा बीवी सलामूल का है तो इन जनान बहिश में से ये भी जो आम खवीन नहीं है ये ये कोई आम खातें तो नहीं है तीनों जो हैं लेकिन इनसे भी जो आला दर्जा है जो इनकी भी सरदार बीवी है वो कौन है खुद जनाब फ़ातिमा सलाम और ख़वान की सरदार फातिमा करार देता है खुदा और और उसके बाद अगर कोई और इस इसमें तमाम अह सुन्नत जो है वो मुतफ़ हैं क्योंकि ये जलालुद्दीन सूती जो हैं ये तमाम अहल सुन्नत के अंदर महबूब और बड़े मकबूल जो है मुफसर कुरान हैं तो उन्होंने अपनी इस तफसीर के अंदर ये ऐसा बयान किया है तो यहाँ पर मैं ये भी ऐड करते चलूँ कि मसला कभी कभार ये बहाना होता है हमारा कि मसला बिलखस ख़वात का हमें फ़ातिमा रवा हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कभी हम ऐसा कहते हैं कि मसला शायद पैगम्बर की बीवी होना शायद पैगम्बर की बेटी होना शायद पैगंबर से कोई रा होना ही एक औरत को एक बुलंद मरतबे पहुँचा सकता है लेकिन उससे पहले भी इससे पहले कि अल्लाह ताली पैगम्बर की बेटी और बीवी को आलमीन की खातिन के सरदार के तौर पर हमें मारूफी करें उससे पहले कुछ ऐसी दो औरतों का नाम दिया है कि जिसके एक तो शौहर ही नहीं थे कि हम कह सकते हैं कि ये फ़लानी पैगम्बर की शौहर थी या जिसका शौहर जो है वो फिर ऑन था यानी दो ऐसे नाम हमें सबसे पहले अल्लाह ताला देता है हज़रत मरियम का या हज़रत आसिया का कि हज़रत आसिया का तो बिल्कुल शोहर एक बरक्स यानी इस्लाम के दायरे से बिल्कुल ख़ारज और एक बिल्कुल ऑपोजिट एक ऑप्रेसर उसके बावजूद उसके साथ रह के उसकी हमसर होने के बावजूद जो है वो इस्लाम पर बिल्कुल कायम और दायम रहती है और इस कदर कि अल्लाह ताला उसका नाम कुरान करीम में लाते हैं वरना हज़रत मूसा इस्लाम के दौर में भी बहुत सारे ऐसे ख़वात रही हैं बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो इस्लाम के दायरे में जो है अल्लाह तल की बंदगी करें या बहुत ज़्यादा उसकी इत करें लेकिन अल्लाह ताली ने उनके नाम नहीं चुने हज़रत आसिया का नाम भी चुना है इस कदर कि वो कहती है एक जगह पे आ, मैंने पढ़ा था कि कहती है अल्लाह तला से कि मुझे बहुशत में मेरे लिए घर बना यानी ऐसा लग रहा है कि उससे मुआरफत इलाही इतनी है कि उसे पता है जी तो, तो यानी हम हाँ भी ऐड करना चाह रही थी कि जो पहले दो नाम आए हैं बीवियों के जैसे हज़रत आसिया का या हज़रत मरियम का शायद हमें यही सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आपकी फैमिली में से पैगंबर हो तभी जाके कि आप किसी बड़े दर्जे पे पहुंच सकती है। आपका जो है शौहर हो ही नहीं सकता है या आपका जो है शौहर बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोनेंट हो सकता है ओप्रेसर हो सकता है उसके बावजूद आप उन बुलंद दर्जात तक पहुँच सकती हैं तो कहा आपने और हम देखते हैं कि जनाब आसिया इस्लाम जो थीं उनकी सबसे पहले शहीदा हैं वो इलाही आ, 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 राह के अंदर और जब के ऊपर अल्कत के ऊपर जो अल्लाह पे एक वाद ख़ुदा पर ईमान लाती हैं और किस किस माहौल के अंदर कि जब वो एक जन फ़िर है कितना आलीशान मरतबा उनके पास है ऑलरेडी जन अव्वल हैं उसकी और वो जो है वही पे रहते हुए खुदा कितना हम सकते देता है, है ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया की सारी रंग और बर्क जो है उनके पास है उनके लेकिन पास उसके बावजूद वक्त की को उस बीबी की गोद में परवान चढ़वाता है तो ये ये चुनाव बेशक खुदा की तरफ से है लेकिन ये कि उसके लिए इंसान खुद को आमादा कर सकता करे। है आमादा कर सकता है निखार सकता है अपनी नस्लों के अंदर ऐसी चीज़ को इतनी पाकिजगी को वदियत कर सकता है और ये आपके अपने हाथ में है ऐसा नहीं ऐसा है कि कोई मावरा चीज़ है क्योंकि हम देखते हैं जनाब समिया को देखते हैं जो कि जनाब रसोल ख़ुदा के दौर में हज़रत हमारे आसर की वालदा है तो उस आप अपने आप आपको अगर पहचान लें अपने होने के मकसद को पहचान लें तो आप बेशक के आप उस हस्तियों तक पहुंच सकते हैं मारफ़त इलाही तक पहुंच सकते हैं मारफ़त इमाम तक पहुंच सकते हैं मारफत जनाब सैद सलाम तक पहुंच सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है तो बिल्कुल ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमें यह पता होना चाहिए कि इंसान तन्हाई में ऐसा मकाम हासिल कर सकता है तब जाके वो किसी दर्जे के लायक हो सकता है क्योंकि कहते हैं कि वफ़ियत की जो राह है जो आगे बढ़ने की जो राह है जो सक्सेस की राह है वो इतनी आसान नहीं होती उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं उसमें बहुत सारे पत्थर हमें खाने पड़ते हैं और बहुत सारे ताने भी सहने पड़ते हैं लेकिन अगर आप स्टेड फास्ट रहे ईमान पर रहे तो यकीन अल्लाह ताला जो है हमारी मदद करेगा जिस तरह से मैं कहूँगी कि तलाक में भी दूसरी तीसरी में है कि अगर आप अल्लाह की राह पर कायम रहे आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला आपको कहाँ से रिस्क अता करेगा बहरहाल आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे और प्रोग्राम को भी आके बढ़ाएंगे, लेकिन उससे ते हैं आप देख रहे प्रोग्राम अया कोसर और मेरे साथ है मोहतरमा सद अम फातिमा जाफ़ारी मेरी बहुत ही बेहतरीन दोस्त और बहुत ही काबिल जो हमें मदद करती है हमेशा हमारे इनसाइट्स में इजाफ़ा हो जो भी रिलीजस इनसाइट्स है ख़ास तौर पर इस वक्त हमें बीबी -बी की मारफत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बीबी -बी का नाम जो है हज़रत फातिमा सलाम लहा है तो जानना चाहूँगी कि यह जो नाम है ख़ुद फ़ातिमा इसके क्या माना है ख़ुद इमाम सदक़ा सलाम फरमाते हैं कि इसमें फ़ातिमा का मतलब है छुड़ाने वाली छुड़वाने वाली अपने मुहबों को जहन्नम की आग से न जा देने वाली क्या बात है? बहुत खूबसूरत इस नाम का मानी और फिर इसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा है इस नाम की खुद जिला रसोल खुदा के ज़बान से कहा कि जिस घर में इसमें फ़ातिमा किसी बेटी का या किसी खातून का है वो घर कभी बरकत से खाली नहीं होता उस घर में हमेशा बरकत मौजूद रहती है और फिर इतना अहतमाम किया पहली बात तो यह कि खुद खातून को इज़्ज़त बख्शी है इस्लाम ने आ, दीन इस्लाम के दाई जनाब रसोखुदा सल्ह वसम ने बताया उस दौर के अंदर कि जब मुश्किल का दौर था जब बेटियों को कुछ समझा ही नहीं जाता था उस दौर में अल्लाह ने बेटी अता करके उसको कसीर कह के उसे कौसर कह के उसे खैर कह के अल्लाह ने उस पैगंबर को वो बेटी अता की जो महबूब पैगंबर है ठीक और दुनिया को बताया कि देखो तुम्हारे लिए क्या चीज़ है औलाद अहम है चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है मैंने पैगंबर को बेटे खुदा देता है और दे के अपनी अमानत वापस ले लेता वापस है ले ठीक है और उसके बाद फिर बेटी दे के उस माशरे के अंदर जहाँ पे लोग उसको बाईस नंगो आर समझते हैं जहाँ पे बेटी के पैदा होने को समझते हैं कि वो पता नहीं किसी मुश्किल में पड़ गए हैं किसी नदामत में चले गए हैं उस माहौल के अंदर ख़ुदा सद सल जैसी बेटी देता है और फिर उसका तारफ़ रसूल बारहा करवाते हैं हर अंदाज में तारुफ कराते हैं खुद जब खत में जो है जब जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं बीबी कर... आती हैं आप अपनी जगह को छोड़ देते हैं आप अपने शान शान से अबा उतारते हैं उस अबा को फ़र्श पर बिठाते हैं और फिर बताते हैं कि ऐसे और देखिए इससे ही नहीं बारहा खुद रसूल तारुफ करा रहे हैं कि फातिमा बज़ातो मिनी फातिमा मेरा टुकड़ा है ये नहीं कहा कि जि, ये जिगर का टुकड़ा नहीं जिगर का टुकड़ा नहीं, नहीं ये नहीं कहा कि मेरे बदन का मेरा टुकड़ा अगर मैं रसूल हूँ ये जुज्वे रसालत है अगर मैं नबी हूँ जुज्वे नबुवत है अगर मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूँ ये जुज्वे रहमत है और अगर मैं मर्दों के लिए देखे मर्दों के लिए उस्वा हूँ और हम देखते हैं कि तो हमारे पास मर्दों में उसवा एक लाख चौबीस हज़ार अम्बियाँ हैं खुद ख़ातिम्बी हैं खुद सैदुलमरसलिन उसवा करार दिया खुदा ने और उसके बाद हमारे पास बारह इमाम सलाम मौजूद हैं मगर क्या शान अलैहा है कि बीबी की जो है खूबसूरती इस मकाम की देखें आप कि बीबी को तमाम दुनिया की खातिन पर एक बीबी जो उस करार पाती हैं कौन है तो बारह खुद खुद जबान रसालत से तारफ़ होता रहा फ़ातिमा का कि फ़ातिमा अगर किसी से गज़बनाक हैं तो मैं उससे गजबनाक हूँ अगर अगर तो मेरा रब गजबनाक है और जिससे अल्लाह गजबनाक है उसका ठिकाना जन्म के अलावा कुछ नहीं है तो ये इतना ज्यादा तारुफ देने के बावजूद और उसके बावजूद हम देखते हैं कि हाँ किस कदर कमी है शूर की किस कदर कमी है उस मार्फत की जो कि होनी चाहिए थी बल्कि नजरों के सामने दिन शब रोज़ दीदार रसूल भी हो रहा है शब रोज़ दीदार विलायत वली भी हो रहा है उसके बावजूद ना आशना रही उम्मत कि वो पहचान नहीं पाई कि हमारे सामने ये बीबी कौन है इसको खुदा ने ख़ैर कसीर कहा है वो खुदा जो कुल कायनात का खल्क़ करने वाला बिल्कुल ऐसा ही वो इस बीबी को किस किस अंदाज़ में अगर हम देखते हैं कि आए मुबाहला जो है वो कुल की कुल शहज़ादी की शान है कि जो कि कहा कि अगर फातिमा दरमियान में ना रहें आगे कौन है रसालत है पीछे कौन है इमामत है और दरम्यान में इसमत है अगर वो इसमत न रहे तो तुम विला विलायत और रसालत के अंदर फ़र्क नहीं कर सकते नहीं। इस कदर खूबसूरती से खुदा ने इतनी प्यारे अंदाज में अल्लाह ने रखा है बीबी को रसालत और इमामत के बीच और जब हम शहजादी की जिंदगी को देखते हैं कि जो अट्ठारह बरस की उम्र जो है जब हम उसे देखते हैं तो कितनी शफाफियत के साथ कितनी मुझे कहना चाहिए अदल के साथ बीबी ने नौ साल खाना रसालत में गुजारे हैं नौ साल खाना विलायत में गुजारे हैं तो बार तो जो इसमें फ़ातिमा है ख़ुद इसकी बरक़ात को आ, आ, इमाम सदकाम की ज़बान से भी हमारे तक पहुँची हैं और ख़ुद जनावर खुदा की अनुमान से भी तो हमें वाक़या ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अपने पहली बात है कि नाम का ख़ुद का भी असर होता है और जब हम ख़ुद अब इस नाम को तकरार करें जब घर के अंदर इस नाम को लें तो उसी इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ यकीनन जब हमारे दिल की ख्वाहिश जो है वो खुदा तक पहुँचेगी तो खुदा हमारी नियतों का जानने वाला बिल्कुल है। ऐसा ही और उसकी फयूज और बरकात से मेटने में हमें मदद में मदद कर सकते बिल्कुल ऐसा ही है और जिस तरह से आपने फरमाया कि आ, फातिमा का मतलब है नजात देने वाली हमें इस आयाम में बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ऊपर इतना काम करें कि यकीनन उस नजात को पाने के काबिल बन सके आ, सिर्फ फातिमा फातिमा कहने से हम वो नजात हासिल नहीं कर सकते हैं वो नजात भी देंगी उन्हीं को आ, उन्हीं के लिए नजात साबित होंगी जो उसकाबिल होंगे आ, तो यहाँ पे जब आप हाँ बात कर रही थी कि रसोल खुदा सल्ह वसलम बारहा उनका तारुफ करा रहे थे कभी उठ के कभी अपनी आवा बिछा के कभी ख़ुद उनका तारफ़ करा के बिल्कुल कभी उनके बारे में हदीस कह के ये आ, मेरा हिस्सा है या जो मुझसे राजी है आ, जो इनसे राजी है मैं उनसे राजी हैं उनसे रा, राजी हूँ बल्कि गजब नाक होने का जिससे जिस पर फातिमा जिसनेजब नाक किया उसने मुझे गजब ना किया जिसने मुझे गजब ना किया उसने अल्लाह को गज़ब किया बिल्कुल ऐसा ही है तो ये वो अः अयाम है ये उस वक्त ऐसा रसूल ऐसा तारफ़ करा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि जब अरब ये सुनते ही हैं कि बेटी घर में आई है उसे या दफनाया जाता है जिंदा या उसे जो है माए नंग जिस तरह से आपने कहा वो समझा जाता है अनफॉर्चुनेटली एक ही मैं रिसेंटली किताब पढ़ रही थी जिसमें लिखा गया था कि चाइनीज़ ज़माने में जब चाइना में भी ख़वा दुनिया में आती थी तो उसे ऐसा लगता था कि जो आपके एंसेस्टर्स है वो आपसे नाराज़ है इसलिए आपको बेटी हुई है इस हद तक जी यानी बहुत सारी अजीब चीज़ें मैंने पढ़ी कि अलग अलग कल्चर्स में एक औरत को क्या समझा जाता था और आज भी वही दौर जारी है जारी है जिस तरह से मैं कहूँगी कि औरत तब भी ऑप्रेस्ड थी इस ज़रिए से कि उसे माया नंग समझा जाता था या उसे कोई या कुछ कल्चर्स में ऐसा है यहूदियों के कल्चर में ऐसा था कि उसे ये समझा जाता था कि ये शैतान का एक हिस्सा ईसाई इंसान है ही नहीं तो इसके साथ वही जिनों जैसा बर्ताव करना है या एक दुआ है यहूदियों की जहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे अच्छे और शर् से एक औरत के अच्छे और एक औरत के शर से हर दोनों चीज़ों से बचाओ यानी एक औरत के अच्छे से भी मुझे बचाओ यानी उनकी मेन दुआओं में से एक है तो मैं कहना चाह रही हूँ अलग अलग कल्चर्स में औरत के अलग अलग जो है आ, कोई वैल्यू ही नहीं थी जब तक रमिल आलमीन आते हैं और हमें हज़रत फातम तसार के बारे में बताते हैं उनके जरिए तारफ़ करवाते हैं कि औरत क्या है बहरहाल अमाम फ़ातिमिया रवा हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्यों अयाम फ़ातमिया को बरपा करना ज़रूरी है बिल्कुल देखें कि अयाम फ़ातमिया जो हैं ये खुदा की जानब से शायद हमारे लिए मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं है कि एक तोहफ़ा हैं हदियाँ हैं हमारे पास टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वेमेन ऑफ कोर्स के देखिए अभी जैसे आपने कहा आपने दूसरी यू नो रेसिस की बात की कि वहाँ पर क्या, अलग अलग में पहले पहले क्या आ, उस वक्त के जब दीन इस्लाम अगर आ, हम इस बात को ज़ाहिर है हम बहुत सारे की ज़बानी सुनते भी हैं ख़ुद पढ़ते भी हैं कि दीन इस्लाम ने जो रेस्पेक्ट औरत को दी है आ, जो उसने एक माँ होने की हैसियत से एक बहन होने की हैसियत से एक बेटी होने की हैसियत से जो मर्तबा दीन ने औरत को अता किया है वो किसी और शायद नहीं दीन इस्लाम ने जो अता किया है वो किसी और दीन के अंदर हमें नहीं नज़र आता किसी और कल्चर में नज़र नहीं आता और उसकी देखिए जहालत है कि मुख्तलिफ अंदाज़ में अपने अपने जगह पर वो जहल जो है वो नुमाया होता रहा और कहीं वो दब गया कहीं वो सामने वो आ सामने आ गया और जब वो सामने आया तो उसके अंदर ये कि कुछ जगहों के ऊपर हमें औरत रूल करती हुई भी, भी नजर आती नजर है। आती है लेकिन वो रूलिंग क्या है क्या उसने अपने आप को पहचान के वो आ, हुक्मरानी की है लोगों के ऊपर अपने मर्तबे को पहचानने के बाद या फ़क्त वो उसके पास एक चीज़ उसे मिल गई और उसने अपनी उस ताक़त का मर्दों की तरह या उनख देख, देखा किया जो मैंने कहा तो कि फ्रे... आज के दौर में भी औरत ऑप्रेशन में है तो मेरे कहने का ये मतलब था कि आज की दुनिया ने प्रोपागेंडा के ज़रिए उसे मैं ये कहूँ कि अंडर दिवस ऑफ फ्रीडम उसके लिबास में जो है उसे और ज़्यादा ऑप्रेस कर दिया ये कह के कि तुम्हें आज़ादी का हक़ है तुम्हें फ़िलान है तुम्हें बाहर आना चाहिए उसे एक प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उसके ज़रिए कमाया जाता है उसे इस तरह से सामने लाया जाता है कि इसके ज़रिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए देखें कि वही बात मैंने जो कही कि हम अगर खातून को अपनी शनाख्त है अपनी पहचान है तो फिर वो खूब जानती है कि उसने खुद को कैसे मनवाना है हम देखते हैं कि अगर आज भी हम बहुत सारे सिविलाइज्ड कंट्रीज को देखें, देखें तो वहाँ पर जो एक खातून के की आज़ादी का आई डोंट नो लाइक आज़ादी इसको किस अंदाज में हम कहें या ना कहें so called. हाँ सो so कॉल्ड ही अगर मेरा खल मुनासिब है तो हम देखते हैं कि ये अगर औरत अपनी शनाख्त रख ले ना उसको अपनी शनाख्त हो कि मेरी तकरीम क्या है मेरी हैसियत इस माशरे में क्या रखी है खुदा ने मेरे खालिक ने आ, मुझे क्या मरतबा त किया है तो फिर वो अपनी बाउंड्रीज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में सेट कर सकती है मगर जब वो ख़ुद को किसी भी चीज़ के हवाले कर दे किसी सकाफत के हवाले कर दे या किसी को अपना बना के अपने आप को उसके हवाले कर दे तो फिर जैसे वो फिर उसके सामने वो चाहे मेकअप इंडस्ट्री है चाहे वो फ़ैशन इंडस्ट्री है जो भी अपने आप को उसके सामने पेश करेगा और वो फिर उससे ज़ाहरी तौर पर मरूब हो जाएगी लेकिन अगर वो ख़ुद अपने आप से मरूब है ख़ुद अपनी अपने आप को पहचान कर बैठी है और तो फिर वो दूसरी चीज़ों से मरूब नहीं होगी फिर वो उन चीज़ों वो उन चीज़ों को उस तरीके से इस्तेमाल करेगी जो खुदा ने हदूद और कयूद मुकर किए हैं बिल्कुल किसी भी एक बाल इंसान के लिए बाशूर इंसान के लिए क्योंकि इंसान जानता है कि उसकी तक्रीम क्या है और देखें कि अल्लाह ने इंसान को अशफ़ुलमखलूक़ बनाया और खातून को यह हक अता किया कि खातून अपने जो रिश्ते उसको पहली बात कि पहले जो रिश्ते अता किए हैं उन रिश्तों में उसकी क्या खूबसूरती है कि पूरा घर एक माँ होने की ऐसे से खातून पे डिपेंडेंट है बिल्कुल एक घर, की और तरह कह दिया साफ कह दिया कि औरत घर की मलका है आ, औरत घर की मलका है और हम जनाब साम की जिंदगी में भी देखते हैं कि बीबी ने किस अंदाज से अपने वालिद के घर में जब थी तब उन्होंने किस कौन सी सोशल एक्टिविटी थी जो जिससे वो दूर थी म, जख्मियों की मरहम पट्टी है जख्मियों के लिए खाना बन रहा है फौजियों के लिए खाना बन रहा है जो लोग भी जनाब जनाबर खुदा के रकाब में जंग में मसरूफ है तो वो अहले खातून खाना की सूरत में भी एक एक्टिव एक्टिविस्ट उनकी सूरत में भी, हाँ वो वहाँ पे भी वो मसरूफ़ हैं खुद बीबी की जो वालदा है जनाब खदीजा बनतेवालत उनकी शख्सियत को देखते हैं तो वो कितनी बिजनेस टाइप आप हाँ और आप देखें कि वो खातून ही है ना तो वही कहा कि जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं ना तो फिर आप वहा पह पहुँच जाते हैं फिर आप अल्ण अल्ण जाते इमाम सामने भी कहा मन जिस हाँ. इंसान ने अपने आप को पहचाना उसने अपने परवरदगार को पहचान पहचान लिया तो हम देखते हैं कि जो ये अयाम फ़ातमियाँ हैं ये हमें ऐसे ही बस ज़िक्र में गुजार के आगे बढ़ जाना है फिर वापस हम वहीं अपनी उसी ज़िंदगी में मशगूल अगर हो रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है देखिए जो अयाम फ़ातिमियाँ हैं ये बिल्कुल मुहर्रम और सफ़र जैसे अज़य हुसैनी के अयाम इसी तरह से याम फ़ातिमियाँ भी हैं जिन्हें हमने अपने प्रोग्राम का जो याम कौसर के नाम से रखा कि अयाम फ़ातिमिया को ज़िंदा करना जो है वो इसको बर्पा करना जो है वो सिर्फ तबरुकन ही एक काम नहीं है बल्कि हकीकत में ये करबला और आशूरा की तरह से इन अयाम का भी एक फ़लसफ़ा है और कि हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे और अपने नाजरन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो आम, आशूरा और करबला के जिंदा होने से क्या होता है इस्लाम जिंदा होता है जब इस्लाम जिंदा होगा और दीन के जिंदा होने से क्या होगा बशरीत जिंदा हो जाएगी जैसा है? कि हमें नजर आ रहा है अभी हम अरबेन से गुजरे हैं और क्या वो एक खूबसूरत एक जिंदगी देने वाली तहरीक है कि पूरी दुनिया से कहाँ कहाँ से लोग हाँ वो किस तरह से बे इतने वलवले के साथ इतने जोश के साथ इमाम की राह में बढ़ रहे हैं बिल्कुल वो एक इतनी खूबसूरत तहरीक के तौर पे उभर रही है वो चीज़ माशाल्लाह खुदा उसको और तकवियत अता करे तो जब वो क्या है बशरीत के ज़िंदा होने की एक निशानियाँ और फिर दीन के जिंदा होने से दीनदार जिंदा होगा और जब दीनदार जिंदा होगा तो फिर वो ज़मीन पे इलाही निज़ाम को बरपा कर पाएगा फिर वो बार? दीन दीन दिन हाँ दीन इलाही को बरपा कर सकेगा और वो समझ सकेगा कि जो निज़ाम फातिमी फ़ातिमा कैसा निज़ाम चाहती हैं मेरे इमाम कैसा निज़ाम चाहते हैं और मेरा अल्लाह जो है उसका निज़ाम कितना खूबसूरत निज़ाम है कि वो एवरी सिंगल पर्सन नोज अपने होने की वजह को जानता है और अपनी अपने मकाम के ऊपर अपनी आ, जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करने में मसरूफ़ है इंशाल्लाह तो ये अयाम फातिमिया हम देखते हैं कि पहले ये सिर्फ, चीदा चीदा जगहों पर ही मस बरपा किए जाते थे लेकिन अब माशाल्लाह इसका शौर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आ, आ चुका है और लोग समझने लगे हैं और इसमें सिर्फ अजादारी करके उठ जाने का नाम ही नहीं है हमें वाक उस बीबी की जो तहरीक थी उसको समझने की ज़रूरत है जो तो सदनसमीन जिनको हम जानते हैं हम उस बीबी की उस गम को समझें इन अयाम के ज़रिए कि बीबी का असल गम क्या है बीबी का वो असल में रोना क्या है बीबी का वो घरों के तरफ आना दुल करना लोगों को जगाने की कोशिश करना बेदार कर क्यों क्या किस जरूरत लिए? है? वो किस लिए है? उसके पीछे क्या क्या फरमा और हमें है। आ, क्या आज तक इन चौदह सौ बरसों के अंदर हम उस चीज को दर्द कर सके हैं और अगर हमने दर्द कर लिया हो खुदा करे आ, और या बहुत बेहतर लोग दुनिया के अंदर मौजूद है कि तो क्या हम आज Uh, सिर्फ इन के जरिए uh, कर रहे हैं इसको चाहती है जी, बिल्कुल ऐसा ही है और यह भी कहूँगी मैं आखिर में हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है तकरीबन खत्म हो चुका है कुछ एक दो मिनट हमारे पास तो उसमें ये कहना चाहूंगी कि जब हम अम फातमिया जो है बर्पा करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं या ज़िक्र अलबैत होता है ज़िक्र सदतम होता है और ज़िक्र करके गुजर जाते हैं जिस तरह से आपने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए आ, जो हद अकल चीज़ है जो कम से कम कम से कम हम कर सकते हैं वो है कम से कम बीबी की सीरत पर जो है उस अमल करें, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कम से कम उस तरह से कोशिश करे उस व हया को बरकरार करने का क्योंकि हश वया जो है वो सबसे आ, बेहतरीन चीज़ें और इंसान को जो है आली दराज तक ले जा सकती है और जिस तरह से प्रोग्राम के दौरान भी हमने कहा कि हम कोई चीज़ हमारे पास जब ग्राउंड्स फराहम होते हैं कोई भी काम करने के लिए लेकिन जब हम वो आ, कोई शैतानी काम जो है अल्लाह की राह के लिए छोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह तहते हैं आप गमान भी नहीं कर सकते हो जहाँ से वहाँ से मैं आपके लिए रिस्क भेजूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आई और आपने अपना टाइम निकाला और एक बार फिर अपने जो है इनलाइटनिंग इनसाइट्स के साथ जो है आ, हमें जो है फिलअप किया हमारी नॉलेज को एक किया क्योंकि आ, जितना ज़्यादा आज के दौर में हम नॉलेज के साथ एक हो उतना ज़्यादा बेहतर है उतना ज़्यादा हम फाइट कर सकते हैं जो भी मीडिया टेररिज्म है बहरहाल इसके साथ ही मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड तक अपना ख़ास ख्याल रखेगा असल वरह वबरकू you. Mm -hmm.